होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस के साथ लाइव इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुर के एरिया में और हमारे दरमियान आपके सभी गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर अरसलान। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्रिसमस को वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ किस किस जगह पर गए और कैसे केक काटने की रस्म की। सो वंस अगेन लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं दुबई सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपना फीडबैक मुझे देते जाएं और मैं आपको हैप्पी क्रिसमस में नए से नए गेस्ट के साथ मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्रिसमस के मौके पर किसको विश करना चाहेंगे। सो बातचीत करते हैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर अरसलान से। जी अरसलान भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। आपने मुझे आज के दिन में, स्पेशल दिन में आपने मुझे याद रखा, थैंक यू। जो व्यूज हमें लाइव देखते हैं मैं उन सबका बड़ा मशहूर हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हमें लाइव देखते हैं, हमारे प्रोग्राम सर्व करते हैं। स्पेशली टीवी के लिए शीशा भाई आपने हमें याद रखा, आप हमें हमेशा खुशियों में याद रखते हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में आप हमें आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त लाइव आपके सारे देख रहे हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट आपने किया, केक काटने की रस्म कब करते हैं, 24 को करते हैं, 23 को करते हैं या क्या? सर हम 24 को पहले चर्चिस जाते हैं, चर्चिस खुदावंद की रस्म होती है, इबादत होती है, हम अपने सालगिरह घरों में मनाते हैं, फैमिली में फादर्स के साथ, मदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम वैसे ही 12 बजे केक लाते हैं, उसको काटते हैं, इस तरह हम अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे से करते हैं। ये तो हमारे बहुत अजीम और बड़ा बाबर दिन है आज हमारे लिए कि पूरी दुनिया में क्रिसमस मसीह की विलादत का दिन हम मना रहे हैं। अच्छा अरसलान भाई, इस वक्त लाइव सारे आपको देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स जितने भी सीटीवी न्यूज के हैं, थोड़ा सा पर्सनली अपने बारे में भी बताइएगा, कौन सी मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं आप, कितने अर्सा कर रहे हैं? फर्स्ट सर, मेरा नाम अरसलान है, मैं एक मिनिस्ट्री है मिरेकल्स ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज, इसका मौजा पाकिस्तान। आप पहले भी मौजाद होते थे, आज से 2000 साल पहले, अभी भी खुदा मौजाद करता है। मैं ये तकरीबन 2 साल से रन कर रहा हूँ। हम यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज आती हैं उनको हम एक हफ्ते करा देते हैं, हर हफ्ते हम उनको गिफ्ट बांटते हैं। इस मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमें लाइव देख रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, अपने आप भजवाना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए आप दीजिए ताकि हम लोगों की और से और खिदमत कर सकें। मेरी जब लास्ट मीटिंग हुई थी अपनी सैटरडे को होती है शाम 5:30 से 6:30, जी हम एवरी सैटरडे लोगों को सबको सवैयों के पैकेट बांटे थे। 30 पीपल दे आर यहाँ पे थे और हमने उनको सबको सवैयाँ दी हैं, फिर यहाँ पे चाय बनती है, खाने बनते हैं। इस मनीष्री से खुदावंद का शुक्र है, फजल है और खुदा का मौजा होता है कि हमें कोई ना कोई हमें जो है ना यहाँ पे डोनेशन देता है और हम उसी वक्त ही जिस तरह आती है उसी हाथ तक। को आप क्रिसमस का मौका है, खुशी का मौका है और आज पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी जी, सबसे पहले मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का मशहूर हूँ, अपनी पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ कि फौज पुलिस का कि उन्होंने दिन रात इस मुल्क की हिफाजत की, चर्चिस की हिफाजत की, कोई हादसा नहीं हो पाया। मैं उनको सलूट करता हूँ, अपनी पाक फौज को सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उनके लिए, अपने मसीह बहन भाइयों का, सबने कोऑपरेशन की हमारे साथ और हम बहुत मशहूर हैं उनके द्वारे से, मैं उनका थैंक्स पे करता हूँ। हमने पास्टर मशहूर के जरिए से ये जो क्रिसमस का दिन है मसीह की विलादत हमने मनाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई प्यार का, मोहब्बत का, अमन का? सर मसीह दुनिया में आया वो अमन का, मसीह अमन का शहजादा है। जी जी, हमारे क्रिश्चियंस मसीह और मुस्लिम बहन भाई, लास्ट टाइम जो मैंने चर्च की इबादत टेंट की क्राइस्ट ऑफ चर्च में, वहाँ पे मौलाना साहब आए हुए थे, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब अमाम आए हुए थे, उन्होंने भी प्यार का दर्स दिया क्योंकि हमारे नबियों ने, हमारे हजरत ईसा ने भी हमें प्यार का दर्स दिया और हमें अमन और प्यार ही दुनिया में बांटना चाहिए, उसके अलावा प्यार के अलावा दुनिया नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया जी जी, मैं एक छोटी सी बात करूंगा आपस में, मैं आपका भी थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, सीसल टीवी का, बहुत उनकी टीम का, हम सब का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और इससे इतनी रात में आके हमें लाइव कवरेज दी और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और मैं चाहूँगा नाज़रीन के अभी अरसलान भाई से भी हम पूछेंगे कि ये किसी को अगर विश करना चाहते, कोई ऐसी शख्सियत जो मुल्क से बाहर हो, तो अरसलान भाई कोई ऐसे आपका दोस्त, कोई प्यार करने वाला, चाहने वाला कोई ऐसा हो जिसको आप विश करना चाहें और अभी उसको मिस भी कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा किसी का नाम लेकर दो। जी जी, मेरी सिस्टर इन लॉ है अमेरिका में इस वक्त, पहले कराची में थी, अब अपने
बेटे के पास अमेरिका में गई हैं जी मेरीलैंड में, उनको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से उनकी फैमिली को मेरी क्रिसमस। जी अगर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से भी और सीटीवी न्यूज़ की तरफ से भी आपको मैरी मेरी क्रिसमस, क्रिसमस। और इसके अलावा किसी को मेरे फादर हैं न्यूयॉर्क में, उनके लिए भी मैं अनेक तमन्नों का, और उनको जी भी न्यूयॉर्क वाले सारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। और और पाकिस्तान में मेरे साथ बहन भाई जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से, जो आपका हमसाया है सबसे पहले उसकी अहमियत ज़्यादा है, जी क्योंकि बाइबल भी कहती है कि अपने हमसाये से अपनी बराबर मोहब्बत रखो। मेरे हमसायों को सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, आपने अपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैप्पी क्रिसमस प्रोग्राम के मिस्टर अरसलान, इनका नाम था, और मिरेकल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के ये फाउंडर व चेयरमैन थे। और बड़ी प्यारी बात है इन्होंने की, क्रिसमस का बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। और लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वंस अगेन इसी तरह आप अपना फीडबैक मुझे देते जाए, और मैं आपको सीटीवी न्यूज़ पर नए से नए गेस्ट के साथ मिलवाऊंगा, नए से नए सेलिब्रिटी के साथ मिलवाऊंगा। पाकिस्तान की वो शख्सियात जो किसी भी शोबा जहाज से मुंसलिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बिजनेस के हवाले से, उनसे कारोबार के हवाले से, उनके उनसे उनकी फील्ड के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम भी हैप्पी क्रिसमस में हमने आपको मिलवाया मिस्टर अरसलान से, और इनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपको बेइंतहा पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए खास तौर पे एनर्जी का काम सर अंजाम देना है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, और मुल्क के पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अमन सुलह व सलामती को कायम करे। अपने हो सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।